था कि अरे अभी थोड़ी शादी होगी, अभी तो लड़का देखने में टाइम लगेगा, उसके बाद एक डेढ़ साल लग जाएंगे, दो साल लग जाएंगे, तीन साल लग जाएंगे। भाई तुम ये मत सोच के बैठो कि हाँ ठीक है इतना टाइम लगेगा, क्योंकि नहीं लगेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिनकी किस्मत में होता है ना जल्दी मिलना, जल्दी शादी फिक्स होना, उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मेरा 10 दिन, मेरी शादी फिक्स हुई थी 10 दिन में, और जो मेरी शादी उसके बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिश शिफ्ट राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हमारी मुलाकात कैसे हुई, यानी मेरे और मेरे हस्बैंड की मुलाकात कैसे हुई, हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और हम लोगों को किसने मिलवाया, हमारी शादी कितने दिनों में फिक्स हुई। तो ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो हमारी टिपिकल अरेंज मैरिज है, जिसमें हम लोगों का पहले से कोई भी जान पहचान, कोई भी लेना देना, मतलब कहीं से हमने कभी किसी अपने एक दूसरे को नहीं देखा, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जानती थी, दूर दूर तक नहीं जानती थी। तो हमारी जो है एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज है। मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों को देख कर लगता नहीं है कि आपकी अरेंज मैरिज है, ऐसा लगता है कि लव मैरिज है। बट भाई सच बता, हमारी जो है वो अरेंज मैरिज है। हमारी शादी फिक्स हुई थी 2019 31 मार्च, मुझे डेट अभी भी याद है, 31 मार्च को हमारी शादी फिक्स हुई थी। तो हमारे घर में, हम इनके घर में तो लड़की पहले से देखी जा रही थी, इनके लिए बहुत सारी लड़कियां देखी गई बट पसंद नहीं आ रही थी, बट मेरे घर में मेरे लिए फर्स्ट टाइम देखा गया था, और फर्स्ट टाइम में ही मेरी शादी फिक्स हो गई थी। जो मतलब मेरे घर में बात चलती थी हमेशा ही, क्योंकि मेरी बहन की शादी जो है वो 2017 में हुई थी, उसके बाद से मेरी बात, मतलब मम्मी मामा लोग वगैरह बोलते थे कि इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है या फिर क्या करना है, तो मम्मी मतलब हमेशा टाल देती थी। तो मेरी एज भी नहीं, मैं सिर्फ 24 साल के थे जब हमारी शादी फिक्स हुई, मतलब शादी हुई थी, शादी तो फिक्स हुई थी जब हम 23 साल के थे, और शादी जब हुई तो हम 24 साल के थे। सेम हम नहीं चाहते थे कि अभी शादी हो, अभी थोड़ा और टाइम हम चाहते थे कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना टाइम दे, थोड़ा कुछ कर ले तब शादी करेंगे। बट जो भगवान का लिखा होता है, जो लिखा होता है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो वही चीज़ हुई। तो घर वालों ने हमको समझाया कि ऐसी थोड़ी शादी हो जाएगी, शादी होने में अभी एक डेढ़ साल लगेंगे, एक डेढ़ साल लड़का ढूंढने में लगेगा, फिर लड़का ढूंढ लेंगे तो शादी फिक्स होगी, उसमें एक साल लगेगा, डेढ़ साल लगेगा तब शादी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी, इतनी जल्दी लड़का थोड़ी कहीं यहीं बैठा हुआ है कि शादी हो जाएगी। तो हम भी बोले भाई चलो ठीक है, देख लो आप लोग जो भी ठीक लग रहा है, क्योंकि शादी मालूम था शादी तो करनी है, तो घर वालों की मर्जी से करनी है, तो जो आप लोगों को ठीक लगे ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद हुआ स्टार्ट लड़का ढूंढना। तो लड़का ढूंढने के लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, एक दो जगह बात हुई। उसके बाद मेरी मम्मी के जो चचेरे भाई हैं, मेरे मतलब मामा ही हैं चचेरे मामा, वो तो मेरे जो छोटे वाले मामा हैं उनके पास उनका कॉल आया, तो रैंडम उनका ऐसे ही कॉल आया था उनके कुछ काम से। तो मेरे छोटे वाले मामा ने उनको बोला कि अगर कोई लड़का वड़का है भैया तो बताइए गोलू के लिए। तो उनकी नज़र में दो लड़के थे, उन्होंने वो दो लड़कों के बारे में बताया, दो लड़कों की फ़ोटोज़ भेजी, उनका डिटेल्स भेजा। उसमें एक था वो इंस्पेक्टर वगैरह था, तो वो हमारे घर वाले को इतना नहीं पसंद आया, और लेकिन ये पसंद आया। तो इनसे पहले हुई कि चलो इनसे पहले बात करते हैं, इनके घर वालों से बात करते हैं, अगर ये यहाँ शादी फिक्स हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो है उसको देखेंगे। तो फिर जब यहाँ पे बात हुई तो नेक्स्ट डे मामा, मेरे बीच वाले मामा ने उनको कॉल किया, भैया को, मेरे बड़े वाले जो जेठ जी हैं उनको कॉल किया सुबह सुबह ही, तो उनसे बात हुई। तो फिर संडे का दिन था, आई थिंक हाँ संडे का दिन था, 31 में संडे ही था, उस दिन बात हुई कि उस दिन मिलते हैं, उस दिन बात भी हो जाएगी, और लड़की को भी लेकर आना है तो लड़की भी देख लेंगे, अगर पसंद आती है तो फिर आगे की बात हो जाएगी। मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमारी जो शादी फिक्स हुई है वो सिर्फ 10 दिन के अंदर फिक्स हुई है, कोई ना ही एक महीने का टाइम, ना ही डेढ़ महीने, ना ही एक साल। भाई जो मुझे, जो हमको बोला जा रहा था कि ऐसे थोड़ी शादी हो जाएगी, लड़का यहीं थोड़ी बैठा हुआ है, एक डेढ़ साल तो लगेगा, वो शादी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर फिक्स हो गई थी। तो बात हुई, हम लोग गए 31 मई को पटना आए, पटना में ही ये लोग रहते थे, तो वहाँ पे बात पहले हुआ कि लड़के वाले के यहाँ से दो लोग देखने आएंगे, अगर उनको पसंद आ जाएंगे तो फिर बाकी पूरी फैमिली आएगी। तो पहले मेरे बड़े वाले जेठ जी यानी बड़े वाले भैया आए, और उनके साथ में मेरी छोटी वाली ननद पटना में ही रहती है, तो उनके हस्बैंड आए, वो दोनों मिलने आए। मतलब हमको काफ़ी डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, फर्स्ट टाइम था कैसा होगा, बट ऐसा कुछ उन्होंने पूछा नहीं, उन लोगों ने बस यही पूछा
हमसे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, अभी कहाँ रह रहे, पापा का नाम वगैरह, यही सब पूछे वो लोग। तो ये सब हो गया, उसके बाद वो लोग चले गए, फिर मामा लोग पापा लोग इन सब की बात हुई, उसके बाद वो लोग चले गए। वो लोग के जाने के उन्होंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं, अगर हमको मतलब जो भी है हम लोग फोन पे आप लोगों को बता देंगे, अगर पसंद आ जाएगी तो फिर पूरी फैमिली देखने आएंगे। तो फिर एक मतलब आधे घंटे एक घंटे के बाद फोन आता है कि पूरी फैमिली देखने आ रही है। फिर जो पूरी फैमिली है, हमारी मम्मी जी, भाभी, भैया लोग, ननद, उनके बच्चे, घर के बच्चे, सब लोग आए देखने के लिए। तो घर के सारे लोगों को भी पसंद आ गए। उसके बाद हुई कि जब लड़का आया हुआ है तो यहीं पे है लड़का भी, तो लड़का को भी दिखा देते हैं, लड़के को भी दिखा देते हैं, और लड़की भी देख लेगी, तो जो भी है इन लोगों को भी मतलब बात बात जो भी करनी होगी वो करवा लेते हैं। तो हमारे जो हस्बैंड जी हैं, शर्मीले जी, वो उनका थोड़ा हो गया कि नहीं नहीं मतलब मम्मी जब है ही, मम्मी की मर्जी से होगी, तो मम्मी को अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है, हम कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये वो। लेकिन फिर हमारे घर से थोड़ा फोर्स किया गया, तो उसके बाद वो भी आया, उनको बुलाया गया। फिर मेरे हस्बैंड आए, उनसे बात बात हुई सबकी, मैंने बट मैं कसम से बता रही हूँ कि मतलब मैंने उनको बस फोटो में जो देखा था, उसके बाद जब हम वो सामने आए थे मैंने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि वो कैसे दिख रहे हैं या कैसे है, बस मुझे ये मालूम है, मैंने हल्का सा ऐसे देखा था कि व्हाइट शर्ट पहन के आए हैं और डेनिम की जीन्स पहन के आए हैं, बस ये। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं या क्या है, कुछ भी नहीं, रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं। और तो फिर बाकी हम लोगों की शादी हो गई फिक्स। और उसके बाद मतलब वीडियो कॉल पे मेरी बड़ी वाली ननद, बीच वाली ननद, इन लोगों को दिखाया गया, मेरे देवर को, उन लोगों से बात बात हुई। और उसके बाद फिर शादी वादी फिक्स हो गई, पैसे वैसे जो देते हैं वो सब दे दिया। फिर मम्मी जी ने मेरे से दो क्वेश्चन पूछे, पहला सवाल ये था कि खाना वाना बनाने आता है ना, तो मैंने बोला हाँ आता है। उसके बाद पूछा मम्मी जी ने कि बाबू पसंद है ना, तो मैंने बोला हाँ हाँ, क्या बोलती, क्योंकि सबको पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है, तो हाँ मैंने भी हाँ बोल दिया। उसके बाद हम लोग चले गए अपने अपने घर, बाय बाय टाटा हो गया। उसके बाद की जो स्टोरी है, अगर वो आप लोगों को, और हाँ मेरे पास फोटोज है जो मतलब मेरे घर पे आई थी फर्स्ट टाइम, उनकी फोटो, जो मेरी फोटो उनके घर पे गई थी और जो हमारी फर्स्ट टाइम क्लिक हुई थी फोटो, वो सारी फोटोज हैं, तो वो फोटोज मैं लगा दूंगी यहाँ पे। और बाकी जो आगे की स्टोरी है, हम लोगों की बात कैसे स्टार्ट हुई, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कैसे बात किया, वो बाकी चीज़ें अगर आप लोगों को जाननी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल अच्छे से ग्रो होने लगेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को वो स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।